वेलकम बैक टू उत्कर्ष गैराज। आज हम लेके आए टीवीएस की एक्सल 100 हैवी ड्यूटी। ये इस्तेमाल की जाती है सामान ले जाने के लिए। जो आपने देखा होगा गांव में सामान बेचने आते हैं वो इस पे लेके आते हैं और इसको बूढ़े लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसकी स्पेसिफिकेशन पे बात करते हैं। आप फ्रंट साइड लेफ्ट हैंड व्हील पे देखेंगे तो आपको हाई लो बीम लाइट ऑन ऑफ एंड हॉर्न का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। लेफ्ट राइट इंडिकेटर। इसके मीटर की बात करें तो एनालॉग में आता है, ट्रिप मीटर भी एनालॉग में आता है और इंडिकेटर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, हाई लो बीम का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इस पे कोई फ्यूल इंडिकेटर नहीं होता है। टैंक की बात करें तो 4 लीटर का टैंक देखने के लिए मिलता है और इस पे आपको टैंक में टीवीएस की वर्जन देखने के लिए मिलती है। एंड फ्रंट साइड में आपको लाइट देखने की मिलती है जो हैलोजन में होती है और 2 इंडिकेटर वो भी हैलोजन में होते हैं। नीचे आपको एलईडी डायल देखने के लिए मिलती है, लो बीम का काम करती है और यह गाड़ी BS6 में है। और इसकी फ्रंट ब्रेक की बात करें तो आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलती है मगर इस पे आपको SBT स्मार्ट ब्रेकिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है। इसकी इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 99.7 सीसी का निकाल के देती है। माइलेज की बात करें 55 का ये माइलेज देती है। इसकी ट्रांसमिशन मतलब गियर की बात करें तो ऑटोमेटिक इस पे आते हैं। बैक शॉकर की बात करें स्विंग आर्म विद हाइड्रोलिक शॉकर देखने के लिए मिलते हैं। और सीट हाइट की बात करें तो 781 mm की हाइट सीट की देखने के लिए मिलती है। बैक साइड में बात करें तो आपको बैक लाइट एंड सीट ओपन करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। 2 इंडिकेटर। फेंडर में आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलता है और यह गाड़ी सेल्फ और किक दोनों में आती है। आपको सेल्फ में ही इंजन ऑफ करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। व्हील की बात करो तो 16 इंचेस के इस पे व्हील देखने के लिए मिलते हैं और इंजन के ऊपर आपको एक्सल 100 हैवी ड्यूटी की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। और गाड़ी के बैक ब्रेक की बात करें तो वो भी ड्रम ब्रेक आता है और इसका इंजन आगे की तरफ ही होता है। और ये गाड़ी जो पहले आती थी उनमें पावर नहीं होती थी, जब से BS6 गाड़ी आई इनमें बहुत पावर है।